हेलो स्टूडेंट्स, यू आर अगेन वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल टू कंटिन्यू योर फर्स्ट लेसन ऑफ सार स्टोरी द गोल्ड वॉच। कल तक आपने पढ़ा कि कैसे शंकु के पास क्या क्या समस्याएं थी जिसके लिए कि वो अपने मैनेजर फैक्ट्री मैनेजर की घड़ी को चुराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया था। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशंस ने उसको फोर्स किया ऐसा स्टेप लेने के लिए। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। शंकु का हृदय अनियंत्रित गति से तेजी से धड़क रहा था। थ्रो हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्स वॉइस ऑफ टी शॉप ओनर कोचुनी अली हलो लॉफ्टर एंड वल्गर वर्ड्स एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनको। अब उसे उन सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी जिनसे कि उसने पैसा ले रखा था, जिया जो कर्ज उस पर था, उन सभी लोगों की आवाज़ें डांट सुनाई पड़ने लगी। ही कुड हियर वह सुन सकता था कठोर आवाज़ चाय की दुकान वाले की, जिसका नाम कोचुनी बताया गया है, अली की कोकली हंसी सुन सकता था जो उस पर हंस रहा था, पैसा दो मारा क्यों नहीं दे रहे हो, एंड वल्गर वर्ड्स एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनको और लोनको की भरे बुरे शब्दों को सुन रहा था और इरिटेट करने वाली हंसी जो उस पर हंस रहे थे लोग उसको बियर कर रहा था। लोनको जो कि इंचार्ज था फंड का, जो फंड था उसका इंचार्ज लोनको था, ही फेल्ट उसने महसूस किया कि दे वर आल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज। उसे ऐसा लगा कि ये सारे लोग उसको राउडी बॉयज दुष्ट लड़कों की तरह, उदंड लड़कों की तरह उसको घेरे हुए हैं, आर्म्ड विद स्टिक्स जिनके हाथों में छड़ी है, गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग और जैसे कि सारे लोग एक गली में टहलने वाले कुत्ते के चारों ओर खड़े हो जाते हैं उसको मारने के लिए। हॉट हार्वर से कितना भयानक दृश्य था है जो उसने इमेजिन किया अपने माइंड में। फाइंडिंग इट अनबियरेबल इसे असहनीय पाते हुए शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट। शंकु अपने पेट के बल लेट गया और सोचने लगा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसे ही कर चुराना है। Will it not fetch at least 20 rupees? कम से कम 20 रुपये की तो क्या नहीं होगी वो? Even 15 will do, 15 तो हो ही जाएंगे। 15 + 8.5, 15 + 8 रुपये 50 पैसे जो उसको मिलने वाले थे, that is 23.5 rupees, 23 रुपये और 50 पैसे। It will fetch more than 15, फिर वो सोच रहा है नहीं 15 से ज़्यादा ही हो जाएगी। उधेड़बुन उसके मन में लगातार चल रही है। He would be able to pay his debts और वह अपना कर्ज अदा करने में सक्षम हो जाएगा, and live in peace और शांतिपूर्वक रहने लगेगा, a life free from debts एक ऐसा जीवन जो कि कर्ज से मुक्त होगा। With a feeling of relief he drifted into a light sleep और इसी संतुष्टि की भावना के साथ वह हल्के नींद में चला गया। अब सुबह होती है, it was morning, सुबह का समय था। What आर यू स्टिल स्लीप, संकोच वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स। शंकु के कंधों को हिलाते हुए उसकी पत्नी ने धीरे से पूछा, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्योदय का समय काफ़ी पहले बीत चुका है। शंकु रेज हिज हेड एडवांस, तुरंत शंकु ने अपना सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, उसकी पत्नी ने सबसे छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाया जो कि रेंग रहा था जमीन पर, एंड आस्क्ड शंकु और शंकु से कहा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? ओ यस, अरे हाँ, उसने कहा और बिस्तर से उतर पड़ा। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड इन अ हरी, तेजी से वह आंगन की ओर गया। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन पियर्सिंग द लस्क बैंबू फोलियज ऑन द ईस्टर्न साइड
देखते हुए सूर्य के सुनहरी किरणों को जो कि आकर पड़ रही थी घास या पत्तियों के छाए हुए जो छप्पर था उसके ऊपर से चीरते हुए उसको कहीं कहीं जो सुराख थे उसमें उनसे आवाज जो सुनहरी किरणें सूर्य की आ रही थी उन्हीं को देखते हुए वह आगे बढ़ा। ईस्टर्न साइड पूरब की ओर से एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ हेज और जो ताड़ के पत्ते छाए हुए थे उनको चमका रही थी। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल हमेशा की तरह उसने अपने मुंह धुले मुंह धुला और हाथ धुले। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथेस काम करने पर जाने वाले जो कपड़े थे उनको पहना एंड वॉज अबाउट टू लीव और घर से निकलने ही वाला था फॉर हिज फैक्ट्री अपने दफ्तर के लिए अपने कारखाने के लिए। व्हेन हिज वाइफ सेड जब उसकी पत्नी ने कहा लिसन सुनो यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड कुछ बच्चे के लिए थोड़ा मरहम ले आना। सी थ्री वा कमांडिंग लुक एट हिम उसने एक आदेशात्मक दृष्टि उस पर डाली। संको फेल्ट संको ने महसूस किया कि ईच ऑफ द सोर ऑन चाइल्ड्स बर्निंग फास्टरिंग बॉडी बच्चे के दुखते हुए घाव का प्रत्येक घाव शरीर का एक प्रत्येक घाव वाज स्टेरिंग एट हिम उसको बहुत ही गलत तरीके से क्रोशम हो गया कम मतलब बहुत भयानक से उसको घोर रहा था। अ मोमेंट पास इन साइलेंस एक पल सन्नाटे में बीत गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट किस प्रकार का मरहम शंकु ने मूर्खों की तरह पूछा। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स घावों के लिए मरहम उसकी पत्नी ने अपनी बात जारी रखी तुम्हारा मतलब है तुमने बच्चे के शरीर पर जो घाव है उनको नहीं देखा है। You mean you have not seen the sores all over the body, child's body? Yes, how many paise worth of ointment? हाँ मैंने देखा है कितने का मरहम लेकर आना है। At least 13 paise worth, कम से कम 13 पैसे का। We must apply it for 3 days at least, उसको हम 3 दिन तक जरूर अप्लाई कर पाएंगे। शंकु ने अफर्मेटिव आंसर किया हाँ में उत्तर देते हुए शंकु बिगेन टू वॉक विद बेंट हेड झुके हुए सिर के साथ चलना फिर शुरू कर दिया। प्लीज कृपया सी कार्ड आउट इन सॉफ्ट वॉइस धीमी आवाज में उसने कहा। शंकु लुक्ड बैक शंकु ने पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली उसने धीरे से कहा प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग कृपया 2 कप पके हुए केले ले आना जब वापस आपको आना। द बेबी स्टार्ट क्राइंग एट नाइट एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव यू बच्चा रात में भूख से परेशान होने लगता है चलाने लगता है और मेरे पास कोई भी घर पर दूध नहीं है जो मैं उसे दे सकूं। सी स्टूड वेयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्जिंग आउट वह अपने कपड़ों को सही करते हुए ब्लाउज को सही करते हुए जब खड़ी हो रही थी तो बाएं हाथ से अपने तो शंकु ने नोटिस किया कि उसका पेट फिर से बाहर निकल रहा था। इट मीन्स अ सिग्नल ऑफ प्रेगनेंसी वाज इट अनदर बर्डन ऑन द वे उसने सोचा क्या दूसरा कोई बोझ रास्ते मेरे ऊपर आने वाला है। शंकु वाज स्टंड शंकु आश्चर्यचकित था अचंभे में पड़ गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ उसने अपने आप को अभिशापित किया कोसा एंड विद अ डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू अ फैक्ट्री और फिर उसने अपने फैक्ट्री की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। लिसन डू नॉट फॉरगेट भूलिएगा नहीं द वाइफ रिमाइंडेड हिम पत्नी ने उसे फिर से याद दिलाया। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉक्ड ऑन शंकु ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ पड़ा। ओके स्टूडेंट्स आज आप कुछ 4 पैराग्राफ पढ़ाए हैं इनको आप पढ़ेंगे और नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन यू विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो।